हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं या फिर 2 साल से 3 साल से टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका नहीं हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ आपको, इसके बाद आप खुद कहेंगे कि सर मेरा चयन हो गया, आप कमेंट्स करके खुद कहेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कुछ चीज़ें, उसके बाद इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूँगा। जो वैकेंसी आई है, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, रीज़न क्या है? देखिए, आप दो बहुत ज़्यादा तीन में नहीं हुआ होगा, यही ना होगा, दो में नहीं हुआ, मान लो KVS में नहीं हुआ, DEEE में नहीं हुआ, EMRS में नहीं हुआ, 2-4 में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे अवसर हैं। कहने का मतलब, अगर टॉप 100 आपकी वैकेंसी, टॉप 100 मतलब 100 वैकेंसियों को मैं कवर करूंगा इस चैनल पर, इन 100 वैकेंसियों में जितनी भी वैकेंसी है सब टीचर की होंगी। इस टीचर की जो वैकेंसी होगी, इसमें आपका चयन क्यों नहीं होगा, ये खुद आप डिसाइड करेंगे। आप इतना 100 में होगा क्यों नहीं यार, 100 में 100 अगर वैकेंसी है तो होना एकदम 100% श्योर है। बस शर्तें आपको ये है कि पूरी शिद्दत से मेहनत करनी होगी अपने विषय में। अब मैं बताने वाला, वो ध्यान सुनिएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, अगर ये जॉब आप बता रहे हैं तो सर KVS में नहीं हुआ, बताइए उसमें 60,000 से 70,000 उसमें मिलते, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है, एडहॉक बेसिस पे है, साल भर के लिए हायर करेंगे। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें सैलरी ही कितनी होगी? देखिए मैं बता दूँ आपको, 40,000 से 50,000 आपको सैलरी मिलेगी, प्लस रेसिडेंशियल मतलब रहना खाना फ्री, ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है, ठीक है आपको गवर्नमेंट में नहीं मिला कोई बात नहीं, आपका समय तो वेस्ट नहीं होगा, कम से कम आपको पैसे और रिसोर्स और नॉलेज तीनों आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसमें अप्लाई करिए, हारिए मत। देखिए कभी क्या होता है ना कि अगर घी को निकालते हैं सीधे उंगली से तो नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो आपको आपका जो लक्ष्य है वही है, बस तरीका बदल दीजिए। अभी जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ, इस वैकेंसी में अप्लाई करिए, आपका 100% श्योर है सिलेक्शन होगा। देखिए जितने भी पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे एवरेज हो चाहे बिलो एवरेज हो, सभी का चयन होता है, ठीक है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है, देखिए एक चीज़ मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि किसी चीज़ को अगर मैं NCERT, देखिए मैं बता दूँ, पहली बार मैं NCERT में UP बोर्ड से हूँ, मैंने जब NCERT पढ़ा था इंग्लिश मीडियम, तो पहली बार में मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई, दोबारा भी बहुत अच्छे से नहीं समझ में, तिबारा भी नहीं आई, चौथे बार भी नहीं आई, पांचवे बार मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, लेकिन फिर उसके बाद अच्छे से समझ में आने लगा। तो कहने का मीन्स क्या है, कोई भी स्टूडेंट्स हो, किसी चीज़ को बार बार जब करेगा तो वो चीज़ें उनकी हैबिट में आ जाएगी, उसको आना ही आना है, ठीक है। तो क्या समझ में है आपको, हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, अप्लाई करिए। इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं, बताइए आपको इतनी सारी वैकेंसियाँ मैं लेकर आया हूँ, तो आप क्यों निराश होते हैं? बस आपसे बस इतना है कि आप चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। हाँ, आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स करके पूछिए कि सर अभी मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ, कुछ गाइडेंस करिए, तो मैं आपको बता दूंगा आपको जरूरत होगी, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ वैकेंसी के बारे में, ध्यान सुनिए। नेवी चिल्ड्रेन स्कूल वैकेंसी है विशाखापट्टनम में। आप कहेंगे सर विशाखापट्टनम में आए, वो भी अदर स्टेट वाले अलाउ होंगे कि नहीं, बिहार के यूपी के जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें फ्रेशर अलाउ, मैं पहले बता दूं फ्रेशर अलाउ है, कोई भी स्टेट का हो, ठीक है, कोई भी स्टेट के हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं, आप बेधड़क अप्लाई करिए। और ये देखिए TGT PGT PRT और नॉन टीचिंग की पोस्ट है, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ अब डिटेल से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए रेगुलर पोस्ट की बात करें, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स की वैकेंसी आई है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, साइंस की वैकेंसी, PRT में जनरल है, म्यूजिक है, काउंसलर है, किंडरगार्डन की वैकेंसी है टीचर की, स्टेट मैनेजर की बात किया जा रहा है यहाँ पर, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, एडॉक बेसिस पर स्पीच थेरेपिस्ट की वैकेंसी है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत बेसिक चीज़ है टीचिंग पोस्ट के लिए, तो अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसका मतलब ये है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी परास्नातक होना चाहिए, यानी आपका कहने का मतलब हो MA हो, MCOM हो, MBA हो, या फिर समझ रहे MSc हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, वो भी 60% के साथ। अब दूसरी चीज़ क्या है, आपके पास BEd होना चाहिए, ठीक है, BEd होना चाहिए, उस BEd में कम से कम 50% होने चाहिए, आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 साल होनी चाहिए, 1 जुलाई 2024 को आप कम से कम 21 साल के हो जाने चाहिए, ये पैरामीटर रखा गया है। उसके बाद अगर आपने सेट क्वालिफाई किया, जैसे सेटेट अगर स्टेट क्वालिफाई किया है तभी आप, अच्छी बात है, आपको वेटेज मिलेगा। और उसके बाद पर्सनैलिटी चेक किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी चेक किया जाएगा, आप हिंदी, ठीक है, इसके लिए इंग्लिश एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन हिंदी, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करने आपको आनी चाहिए, मतलब आपको पर्सनालिटी पर अपने काम करना
कंप्यूटर के बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल के देखिए, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की बात करूँ हिंदी की बात करूँ, तो अब भाई इसमें ग्रेजुएशन मांगता है, बीएससी मांगता है, इसमें से कुछ भी हो जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पीआरटी की बात किया जाए, तो इसमें बैचलर डिग्री बोला गया है, आप याद रखिएगा 55% मार्क्स के साथ। इसी तरह म्यूजिक का हुआ, काउंसलर का हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, आप कहेंगे सर इस चीज़ को पूरा डिटेल से बताइए। देखिए आप इस चीज़ को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। नर्सरी टीचर की बात किया जाए, तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया डिप्लोमा होना चाहिए, बीएससी, बीए, बीकॉम, ये सब होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई। एडहॉक अपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीज़ें लिखी आपको देखने को मिल गई। अब आपको बात कर प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, कैसे आपको अप्लाई करना वो बता दूँ आपको। देखिए इनके साइट पर जाना है और 24 मई से पहले आपको अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है ध्यान से सुनिएगा, आपको एप्लीकेशन विल बी अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट नीड टू फिल ए सेपरेट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग अलग से आपको फॉर्म भरने होंगे, हर अलग आपको 100 रुपये इन द ऑफिस ऑन द डे ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन। जब आप रिटर्न एग्जामिनेशन के जाएंगे तो 100 रुपये आपको हर एक पोस्ट के लिए पे करना होगा। और अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करके पता कर लीजिए। अब मैं फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, जिस फॉर्म को आपको भरना है। आपका अपॉइंटमेंट कितने महीने का होगा, देखिए 11 महीने के लिए रखा जाएगा, 11 महीने के बाद फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ये सारे पैरामीटर आपको देखने को मिल जाएगी। अब हमसे आप कहेंगे सर जो रेगुलर बेसिस पर जो पीएचडी का टीचर है उसकी सैलरी क्या होती है, देखिए 65,000 होती है सैलरी। जो एडहॉक बेसिस या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखे जाएंगे उनकी सैलरी क्या होगी, देखिए टीजीटी की 33,000 होगी, पीआरटी की 28,000 होगी, केजीटी की 21,000 होगी, स्टेट मैनेजर की 25,000 होगी, डेटा एंट्री के 12,400, उसके बाद ईपीएफ ये सब मिलकर 14,465। अब इसके बाद आपका ये अप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको भरना है अच्छे से। भरने के बाद आपको करना क्या है, सेंड करना है। कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ अभी, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है क्या क्या भरना है, ठीक। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर लिखा है कैसे भरना है, क्या करना है, इनके एड्रेस पर आपको भेजना है। अगर कोई चीज़ न समझ में आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, या फिर इनके जो नंबर है यहाँ पर कॉल करके पता कर लीजिएगा। ये फॉर्म की पूरी डिटेल मैं अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा, उसके बाद पढ़िएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। ऐसे नहीं कि हवा में, कोई चीज़ हवा में मत करिए। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं समय लगाकर 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ तो आपके हित के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और मुझे भी शौक नहीं है कि बार बार वीडियो बनाऊँ, मेरे पास भी काफ़ी काम है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ तो मुझे भी समय निकाल कर आप ही के हित के लिए बना रहा हूँ। तो आप चैनल को प्रमोट करिए, क्योंकि आप जब हम प्रमोट करेंगे तभी हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम भी आपके लिए कुछ करेंगे, बाकी आपके ऊपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।